जिन्होंने भोजपुरी को अश्लीलता से लोकगीत तक पहुंचाया, जिनकी आवाज देश ही नहीं विदेशों में भी गूंजती थी, जिसके गानों से लोग झूम जाते, जिनके गले में सरस्वती विराजमान थी, जिन्होंने भोजपुरी लोकगीत को ग्लोबल किया, वो शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हम सभी को उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहेगी। तो चलिए आज उन्हीं बिहार की कोकिला के बारे में आपको कुछ ऐसे अनसुने किस्से बताते हैं और पूरी कहानी आपको बताते हैं कि कैसे शारदा सिन्हा ने लोगों के दिलों पर राज किया। नमस्कार, हमारी स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के सुपौल के लिए 5 नवंबर की रात रही, यह की बेटी और भोजपुरी की प्रख्यात गायिका शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस खबर से सुपौल में उनके पौत्री गांव राघोपुर प्रखंड के हुलास में तो मातम पसरा ही, पूरा सुपौल गहरे दुख और सदमे में पड़ गया। यहाँ के बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई पूछ रहा है कि छठी मैया को कौन जगाएगा, अब कौन गाएगा किलवा के पात पर उगी हसुर चुमला। उनके बीमारी की खबर के से ही सुपौल जिले में जगह जगह हवन यज्ञ हो रहा था, लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे थे। जिस छठ मैया के गीत गाकर शारदा सिन्हा अपनी प्रसिद्धि की बुलंदी पर पहुंची, उसी छठ पूजा के पहले दिन छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन की खबर पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि वह तो शारदा सिन्हा को सुनते हुए बड़ी हुई हैं। उनका निधन भोजपुरिया समाज के लिए बहुत ही दुखद है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा की कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अन्य नेता सहित विभिन्न राजनीतिक बिरादरियों ने शोक व्यक्त किया है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा कि हमने तय किया है कि मेरी माँ यानी कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर होगा जहाँ मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ, इसलिए हम उनका पार्थिव शरीर पटना ले जाएंगे। अंशुमान सिन्हा ने कहा कि यह परिवार और उनके चाहने वालों के लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि उन्होंने छठ पूजा के पहले ही दिन अंतिम सांस ली। अपनी मां को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह सभी के लिए सदमे से भरी बात है। मुझे यकीन है कि उनके चाहने वाले भी मेरी तरह दुखी होंगे। उनका मातृत्व उनके गीतों के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में भी साफ झलकता है। वह छठ पूजा के पहले दिन हमें छोड़कर चली गई, वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। वही सुपौल में राघोपुर प्रखंड के रहने वाले बुजुर्ग राजेश पंडित कहते हैं कि शारदा सिन्हा की आवाज में जादू था, वह बचपन से ही गीत गाती रही है, किसी भी कार्यक्रम में वह जाती तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाती। राजेश पंडित कहते हैं कि देश और दुनिया भर में छठी मैया के गीत लाउड स्पीकर पर खूब बजते हैं, लेकिन इन गीतों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय शारदा सिन्हा को जाता है। शारदा सिन्हा के निधन की खबर से पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सदमे में हैं। उनका कहना है कि शारदा सिन्हा ने वैसे तो बहुत गीत गाए हैं, लेकिन उनकी असली पहचान छठी मैया के गीतों से ही मिली है। यही वजह है कि उन्हें छठी मैया के गीतों का पर्यायवाची मान लिया गया। भोजपुरी समाज की लड़कियों के लिए वह प्रेरणा की स्रोत रही हैं। उधर हुलास गांव के लोगों का कहना है कि इतनी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद भी शारदा सिन्हा गांव के लोगों के लिए बेटी और बहन ही थी। जब भी वो गांव में आती, सबसे मिलती और हाल चाल पूछती। जीवन के आखिरी क्षणों तक उनका अपने गांव से भावनात्मक लगाव था। गांव वालों के मुताबिक शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुलास में हुआ और उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। हालांकि आगे की पढ़ाई के लिए वह समस्तीपुर चली गई, वहीं पर उन्होंने रियाज किया और पहचान हासिल की। गांव में आज भी उनका पैतृक घर मौजूद है। काफी समय से रखरखाव ना होने की वजह से खपरेल का यह घर खंडर हो गया है। हालांकि आज भी उनकी ढेर सारी स्मृतियां यहां मौजूद हैं। इसी घर के पास उनके भाई नया घर बना कर रहते हैं। वहीं उनके अन्य
भाई गांव से बाहर रहते हैं। उनके निधन की खबर सुनकर सभी भाई हुलास से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके अन्य भाई गांव से बाहर रहते हैं। शारदा सिन्हा के पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में पहली बार 22 साल की उम्र में पहला भोजपुरी गाना गाया। वह साल 1974 का था जब उन्होंने भोजपुरी गानों का रियाज शुरू किया। वही 1978 में छठी मैया के पहले गीत उगा उगा सूरज देव रिकॉर्ड किया था। बिहार के लोकप्रिय गायिका के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा खास तहजीब, अनुशासन की पक्की और आदर्श बहू। बेटी होने के साथ एक अच्छी कलाकार के रूप में लोगों के दिलों में जगह बनाए रही। संगीत में उनके योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्मभूषण से अलंकृत किया गया। 2016 में सुपूर्ण मिले माई और पहले पहन छठी मैया जैसे छठ गीत के साथ उनकी लोकप्रियता में चार चांद लग गया। 5 दशकों से बिहार की लोक गायन परंपरा की सशक्त हस्ताक्षर रही शारदा सिन्हा के गाय गीत आज भी लोगों के दिलों में और दिमाग में रचे और बसे हुए हैं। शारदा सिन्हा को बचपन से ही संगीत नृत्य में रुचि थी। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। संगीत के प्रति उनके लगन को देखकर पिता ने भारतीय नृत्य कला मंदिर में प्रवेश दिलाया था। स्कूल के दिनों में जब वे अपनी सहेलियों के साथ गीत गा रही थी, वही चुपके से हरे उपल उनके यानी कि शिक्षक उनका गीत सुन रहे थे। शारदा को प्रधानाचार्य कार्यालय में बुलाकर उस गीत को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। वे कई बार कार्यक्रम के दौरान कहा करती थी कि गायन के क्षेत्र में करियर को सक्रिय बनाने में उनके परिवार का सहयोग मिलता रहा। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के साथ मणिपुरी नृत्य को भी जानने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा मृदुभाषी होने के साथ साथ सामान्य जीवन व्यतीत करना पसंद करती थी। उनके करीबी रहे हृदय नारायण ने बताया कि वे भोजन भी सामान्य रूप से करती थी। बहुत कुछ खाने पीने का शौक नहीं था। उन्हें जो भी मिलता था बड़े शौक और प्यार से खाती थी। वे कार्यक्रम में जाने से पहले गले को ठंडा रखने के लिए पान खाती थी। ऐसा नहीं था कि वे पान की आदि थी। वैसे भी मिथिलांचल में पान माँ भगवती को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस कारण भी उन्हें थोड़ा बहुत पान के प्रति लगाव रहता था। वे साथ में पान की डिब्बिया लेकर जाती थी। हृदय नारायण झा कहते हैं कि शारदा सिन्हा की तबीयत कोरोना के बाद से खराब बनी रही। छठ गीत को लेकर जब उनके घर गया तो वे कहती थी कि तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए तो बहुत कुछ काम करना है, आप इंतजार करें, हम जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद आपके साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। भोजपुरी के गायक भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र के लिखे गीत 1979 में जगदम्बा घर में दियारा बारैनी हो रिकॉर्ड किया गया। इसके लिए HMV से आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला था। उन दिनों भोजपुरी में बड़ा सम्मान माना जाता था। इतना ही नहीं, शारदा सिन्हा ने राजश्री प्रोडक्शन की सुपर हिट फिल्म हम आपके हैं कौन का गाना बाबुल जो तुमने सिखाया मैंने प्यार किया का गाना कहे तो से सजना ये तुहरी सजनिया जैसे गानों को अपनी आवाज दी। उन्होंने पहली बार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुपर हिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए गीत गाया था। इनकी आवाज को लोगों ने खूब सराहा। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और 4 फुटिया छोकरे जैसे फिल्मों में अपनी आवाज दी। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में तार बिजली से पतले हमार पिया ओरी सासू बता तूने ये क्या क्या गीत काफी लोकप्रिय हुआ। शारदा सिन्हा 2009 में बिहार विधानसभा चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। 1988 में मॉरिशस के 20वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने गायन की प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। लोगों को अपने गानों से मंत्रमुग्ध कर देने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है, जिससे भोजपुरी से लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।